ये है दिल्ली दर्पण। टीम इंडिया से बाहर चल रहे बाएं हाथ के बल्लेबाज सुरेश रैना ने जबरदस्त शतक के साथ फॉर्म में वापसी की है। यूपी के कप्तान रैना ने सैयद मुश्ताक अली T20 मुकाबले में बंगाल के खिलाफ 59 गेंदों में 126 रनों की नाबाद पारी खेली है, जिसमें उनके 7 छक्के और 13 चौके शामिल हैं। रैना ने 49 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसी के साथ ही रैना सैयद मुश्ताक अली T20 में उच्चतम स्कोर बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। उन्होंने उन्मुक्त चंद को पीछे छोड़ दिया है। उन्मुक्त ने 2013 में 125 रनों की पारी खेली थी। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए सुपर लीग ग्रुप बी मुकाबले में यूपी ने रैना के शतक की बदौलत 20 ओवर में 235 रन बना लिए थे, जिस पर उन्होंने अपने 3 विकेट खो दिए थे। 235 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया था। जवाब में बंगाल की टीम 160 रनों पर सिमट गई। आईपीएल से पहले रैना के बल्ले की खामोशी टूटी है और ने उनकी पुरानी फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने 11 करोड़ रुपए में रिटेन भी किया है। अब देखना ये होगा कि क्या रैना का बल्ला आईपीएल 2018 में भी कुछ इसी तरह के रिकॉर्ड तोड़ेगा या फिर रैना का बल्ला खामोश रह जाएगा। देश दुनिया एंटरटेनमेंट स्पोर्ट से जुड़ी तमाम जानकारी को जानने के लिए दिल्ली दर्पण टीवी को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर